जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट को हमें
इंस्ट्रूमेंट को टॉन कर तैयार करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट में मान लीजिए कि हम सितार की बात करते हैं, तो सितार में जो स्ट्रिंग्स है वो उन स्ट्रिंग्स का मेन उद्देश्य होता है उस इंस्ट्रूमेंट की साउंड को खूबसूरती से इलोबरेट करना और प्रेजेंट करना। तो सेम इसी तरह से हमारी बॉडी में हैंड्स, बादा मतलब फुट मूवमेंट्स, आईब्रोज, नेक, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, या ये कह सकते हैं कि वो तत्व है, वो एलिमेंट है जो कि डांस को खूबसूरती से प्रेजेंट करना बताता है। तो ये डांस की एक ग्रामेटिक बात है जो कि नाट्य शास्त्र ने बताई है। नाट्य शास्त्र भरतमुनि का एक वो ग्रंथ है जिसने नृत्य को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही खूबसूरती से बताया है, और ये बताया है कि नृत्य हम ही से बना है, नृत्य के हम ही किरदार हैं और हमें ही निभाना है, पर मेन जो उसका उद्देश्य है सौहार्द। नृत्य का मेन उद्देश्य है कि हम एक दूसरे को जोड़ कर रखें। अब देखिए, कोई भी सोसाइटी का कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कि कुछ संगीत नहीं सुनाई दे, जहाँ कुछ शोर नहीं हो। शोर एक सौहार्द का, शोर एक ऐसा जहाँ हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप कोई भी सामाजिक उत्सव ले लीजिए, जाट गरबा लीजिए, घूमर लीजिए, ये सब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संस्कृतियों को बताने के नृत्य हैं, पर उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम गरबा जब किया जाता है तो उसे सर्कल में घूमते जाए और सभी एक ही जैसे स्टेप का यूज कर रहे हैं, और उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम एक यूनिटी को डेवलप करें। एक हमारा संदेश ये हो कि नृत्य को, संगीत और म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हम ऊर्जा को महसूस कर पाए, कि एक ऐसा विषय है जहाँ हमारी जो एनर्जी वो लिफ्ट हो जाती है। इस नृत्य के दौरान, नृत्य के एक्सरसाइज के दौरान ये अपनी अपनी सोच होगी कि हम नृत्य को फिजिकल फिटनेस के रूप में लें, या नृत्य को मेडिटेशन के रूप में लें, या नृत्य को सौहार्द के रूप में लें, या नृत्य को एंटरटेनमेंट के रूप में लें, या नृत्य को मनोरंजन के रूप में लें, या नृत्य को उत्सव के रूप में लें। पर उद्देश्य एक ही रहेगा कि नृत्य के दौरान हम लोग सब मिल चलते। देखा, यदि कहीं पास में भी किसी की पड़ोस में भी कोई उत्सव हो रहा है और वहाँ पर यदि कोई म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है, तो घर के आंगन में खेलता हुआ एक छोटा बच्चा अनायास ही उस संगीत को सुनकर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, एक सकारात्मक भाव की प्रस्तुति करता है। और ये जो सकारात्मक भाव की उसकी जो प्रस्तुति है, ये कई नियमों में बंधी हुई नहीं होती। तो नृत्य सिर्फ उत्सव उल्लास का विषय है, और ये वर्ल्ड डांस डे पर हम लोग सिर्फ यही एक उद्देश्य, यही एक मैसेज सबको दे कि नृत्य के दौरान, क्योंकि यदि हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो न केवल व्याकरण से जुड़ा हुआ है, ये एक योगा का स्वरूप भी है, ये एक ये कह सकते हैं योग थेरेपी प्रोग्राम है जिसमें हम लोग सिर्फ पैरों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हाथों के अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग गेस्चर का प्रयोग कर रहे हैं जो हमें माइंड, बॉडी और सोल के साथ लिफ्ट करता है और हमें सृजनात्मक और सकारात्मकता की ओर ले जा रहा है। तो हम आइए सभी मिलकर इस उत्सव में शामिल हो जाए। इस उत्सव में शामिल होने का जो हर उद्देश्य है वो सिर्फ यही कि हम हमारी जो उद्वेग है, हमारी जो भावनाएं हैं, हम लोग की जो जटिलता है, उन जटिलताओं से थोड़ा सा रिलीज कर दें और रिलीज होकर इस मनोरम स्वरूप में आए और नृत्य की लहरी में डूबते हुए चले जाएं और सभी एक सर्कल में बंधते हुए चले जाएं। तो देखिए, सभी जो हमारी दुनिया है वो खत्म हो जाएंगी, और संगीत का मतलब, म्यूजिक का मतलब सिर्फ ओंकार का स्वरूप है, जहाँ रीति हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। और जब हम ओंकार स्वरूप का ध्यान करते हैं तो सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे मन के जो नेगेटिव भाव हैं उन भावों को रिलीज कर कैसे
सिर्फ पॉजिटिव भाव को उठा पाए और सभी एक रंग मंच पर आकर अब देखिए लॉकडाउन का ये पीरियड है और ऐसा लगता है कि इस पीरियड ने एक नृत्य को संपत्ति दे दी है। सब कुछ साए सा लगता है और ये जो साए हैं वो कभी कभी एक डर सा महसूस करते हैं और इसी साए को जब हम कंपेरिजन करते हैं कि जब हमारे चारों ओर हमारा पूरा शहर हमारे शहर की गलियां जहां हर व्यक्ति घूमता हुआ नृत्य करता हुआ ये जो गमन है ये जो गति है हमारी हमारी संस्कृति की गति ये नृत्य है। तो अभी हम चारों ओर ये जो साए देख रहे हैं हमारे जो नृत्य की गति है धीमी हो गई है। बिल्कुल हम लोग ऐसा मेडिटेशन करें कि ये गति धीरे 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 समावस्था से निकलते हुए विलंबित गति मध्य और द्रुत तक आ जाए और हम लोग फिर वापस इसी तरह से एक गान में आ जाए इसी तरह से नृत्य गीत और संगीत की स्वर लहरियों में आ जाए और हमारे जो नकारात्मक भाव दूर होकर हम वापस एक सृजनात्मक दूर की ओर बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग कुछ नृत्य की बारीकियां और कथक नृत्य के कुछ फुटवर्क की रियाज करते हैं।